आज चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फंड ऑफ इंडिया जो छात्र संगठन है उसके बैनर के नीचे महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया है। इस कार्यक्रम के अंदर हम मैट्रिक जिनके 80% से ज़्यादा जिन बच्चों के नंबर थे, प्लस टू में जिनके 75% से ज़्यादा जिनके नंबर थे, ग्रेजुएशन में जिनके 65% से ज़्यादा जिनके नंबर थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनके 60% नंबर थे, उन बच्चों को सम्मानित करेंगे, उनको मोमेंटो भेंट करेंगे, उनको प्राइज भेंट करेंगे। इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे आज चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए, जिनके एडमिशन नहीं हो पाए, ये बच्चे कॉलेजों के गांव के हैं, अंडर स्कूल हैं, तो इन बच्चों को मोटिवेट करके चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में इन बच्चों के दाखिले हों, इनको कैंपस के साथ जोड़ा जाए और हायर एजुकेशन के साथ इन बच्चों को जोड़कर आगे बढ़ाया जाए, ये इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है। और तमाम हमारी टीम के साथ इस कार्यक्रम में पिछले एक महीने से लगे हुए थे और यूनिवर्सिटी प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया के एक ऐसे अर्थशास्त्री रहे, ऐसे वकील रहे, ऐसे नेता रहे, ऐसे पॉलिटिशियन रहे जिन्होंने इस भारत देश को एक संविधान दिया एक ग्रंथ के रूप में, और जिस संविधान के अंदर हर जीव को हर प्राणी को समानता से समता से जीने का अधिकार दिया, और उसकी जयंती मनाकर आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी का भी सौभाग्य है कि उस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के कुछ नुमाइंदा हमारे बीच में हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कार्य करते हुए आप सभी को बधाई देता हूँ और बड़े सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है उनके किए हुए बनाए हुए संविधान पर चलें और समाज में जो है लोगों को उन्नति की तरफ लेके जाएं जिससे समाज का भला हो और हर आदमी जो है अपनी पहचान बना सके, अपना समाज को आगे ले जा सके।